हेलो स्टूडेंट्स, आज 10+1 क्लास की सेकंड यूनिट हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस यूनिट में शुरुआत में जो बातें आएंगी वो ज़्यादातर ऐसी हैं जिनके बारे में आप 9th क्लास में या 10th क्लास में आंशिक रूप से थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो ये एटम जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ए प्लस टोमियोज। टोमियोज जो वर्ड है ये होता है डिविजिबल, जिसको आप तोड़ सकते हैं टुकड़ों में, उसको बोलते हैं टोमियोज। ग्रीक वर्ड है ये, यूनानी भाषा का शब्द है। ए मीन्स उसका उल्टा होगा, जिसको आप नहीं तोड़ सकते। तो एटम का सीधा सा मतलब होगा कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिविजिबल है, यानी कि कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जो और ज़्यादा नहीं टूट सकता, विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, जिसको कहा जाता था एटम्स। हालांकि अब हमें पता है कि इसको और आगे भी हम तोड़ सकते हैं, लेकिन एक बात सच ज़रूर है, जब केमिकल रिएक्शन होगी तो उस केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेगा, जो हिस्सा लेगा, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आज भी एटम है। अकेले इलेक्ट्रॉन या अकेले प्रोटॉन, अकेले न्यूट्रॉन अलग अलग से जाके केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकते, पूरे एटम को जाना पड़ता है उसके लिए। तो वैसे तो भारत में भी पहले जैसे महर्षि कनद थे, उन्होंने इसके बारे में बताया, लेकिन जो एक बिल्कुल फाउंडेशन की बात थी, क्लियर कट बातें थी, वो इसके बारे में डाल्टन ने बताई। पहले नाम सुना होगा आपने, ये साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, 1803 से 1808 तक इन्होंने काफ़ी डिस्कवरी की एटम के ऊपर। कलर ब्लाइंड थे ये, इनको बीमारी थी, ये महान साइंटिस्ट थे डाल्टन। इन्होंने क्या बताया कि एटम्स की कुछ क्वालिटीज़ बताई, भाई एटम किसको कहते हैं। उनको अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने क्या क्या बताया, जिसको हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले एक सॉलिड फाउंडेशन रखा कि भाई एटम के बारे में कयास लगाए जाते हैं, वो बातें बहुत हो गई, क्लियर बातें बताई जाएं, जिसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। इसने सबसे पहले ये बताया कि कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, वो छोटे छोटे इंडिविजिबल, यानी कि स्मॉलेस्ट और इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनता है, और इन्हीं स्मॉलेस्ट जो इंडिविजिबल पार्टिकल हैं, इन्हीं का नाम उसने कहा कि इनको कहते हैं एटम्स। दूसरी बात इसने ये बताई कि अगर सेम एलिमेंट है तो उसके सारे एटम्स एक जैसे होंगे। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, देखो ये हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बातें कर रहे हैं, आज हो सकता है इससे अलग, यानी कि बहुत सी बातें अलग मिलेंगी, गलत सिद्ध हुई होंगी जैसे जैसे बाद में एक्सपेरिमेंट्स हुए। आज जो हम बिल्कुल फाइनल मॉडल एटम का पढ़ेंगे, अब जो पढ़ते हैं, हो सकता है 10 साल के बाद ये भी फाइनल ना रहे और कुछ नई डिस्कवरीज हो जाएं। तो जो जो बातें मैं बता रहा हूँ ये उस समय की बता रहा हूँ। तो इसने बताया कि अगर एक ही एलिमेंट है तो उसके सारे एटम्स एक जैसे होते हैं। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है तो सारे हाइड्रोजन एक जैसे होंगे और ये किसी दूसरे जैसे नहीं होंगे। जैसे हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन जैसा नहीं होगा, ये नाइट्रोजन जैसा नहीं होगा, ये कॉपर जैसा नहीं होगा। तो ये बातें इसने बताई कि अगर सेम एलिमेंट है तो उसके सारे एटम्स सेम होंगे इन ऑल रेस्पेक्ट्स, इनकी सभी बातें एक जैसी मिलेंगी। तो हम ये कह सकते हैं द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट्स। अगली बात इसने ये बताई कि अगर एलिमेंट अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो उनके एटम्स भी डिफरेंट होंगे। जैसे नाइट्रोजन कभी हाइड्रोजन जैसा नहीं होगा, नाइट्रोजन कभी ऑक्सीजन जैसा नहीं होगा, ऑक्सीजन कभी हाइड्रोजन जैसा नहीं होगा, यानी कि अगर एलिमेंट अलग हैं तो उनके एटम्स भी अलग हैं।
डिफरेंट एलिमेंट्स अगर हैं तो उनके एटम्स भी डिफरेंट होते हैं इन ऑल रेस्पेक्ट्स। इसके बाद इसने ये बताया कि जब भी एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे। और एक और बात इसने बताई कि एटम्स जो है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, यानी कि उसका डिस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते। अब ये जो पॉइंट्स इसने कुछ बताए, 5-7 जितने भी थे, इनमें ज़्यादातर को गलत सिद्ध कर दिया गया जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, लेकिन एक पॉइंट इसका बिल्कुल सही है जो लास्ट वाला है कि एटम्स को ना आप क्रिएट कर सकते हो और ना आप नष्ट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एक से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हो। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जैसे इस फॉर्म में भी कहा जाता है। देखो पहला पॉइंट था इसका कि इंडिविजिबल पार्टिकल है, तो ये बातें आगे जाके गलत सिद्ध हुई कि एटम इंडिविजिबल नहीं होता, इसके अंदर बहुत से पार्टिकल्स और भी होते हैं छोटे छोटे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन तो फंडामेंटल पार्टिकल हैं। इसके अलावा जैसे न्यूट्रिनो है, जैसे एंटी न्यूट्रिनो है, जैसे पॉजिट्रॉन है, तो ऐसे बहुत सारे लगभग इनके अलावा 35 पार्टिकल्स और हो सकते हैं, मीजोन्स पार्टिकल हैं। तो ये पहली बात इसकी गलत सिद्ध हुई कि ये सबसे छोटा पार्ट है और इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को डिवाइड किया जा सकता है। दूसरा इसने बताया कि सेम एलिमेंट जो है इसके एटम्स सेम होते हैं सारे, तो ये बात भी इसकी ज़्यादा सही नहीं निकली। एक जैसे अगर एक एलिमेंट है तो उसके सारे एटम्स एक जैसे नहीं हो सकते, और ये हमें पता चला आइसोटोप्स की स्टडी से। आइसोटोप्स अभी आगे आ भी जाएगा। आइसोटोप क्या है? जिनके एटॉमिक नंबर सेम हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट हैं। जैसे हाइड्रोजन, ये कह रहा था भाई हाइड्रोजन है तो सारे एक जैसे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाइड्रोजन ही ऐसा भी होता है जिसमें एटॉमिक नंबर इन सब का सेम है लेकिन मास नंबर इनका डिफरेंट है। तो हैं तो तीनों हाइड्रोजन लेकिन तीनों एक दूसरे से अलग हैं। तो द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट बी ऑलवेज आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। जैसे ये हाइड्रोजन है तो ये जिसका एटॉमिक नंबर 1 है इसको कहा जाता है प्रोटियम, ये जिसका नंबर तो सेम है मास डिफरेंट है इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और ये है ट्रीटियम। तो एक ही एलिमेंट है लेकिन इनके एटम्स अलग अलग हैं। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट था कि अगर अलग अलग एटम्स, अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो उनके एटम्स अलग अलग होंगे, लेकिन ये भी कई बार ठीक नहीं बैठता। इसने कहा कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, तो ऑल रेस्पेक्ट्स ने सभी संदर्भों में वो अलग अलग हों ये जरूरी नहीं है। जैसे आर्गन है तो ये होता है 40 और 18, एटॉमिक मास है 40, ये है 18, और इसके अलावा कैल्शियम है ये है 40 और 20, अलग अलग एलिमेंट्स हैं लेकिन इनका एटॉमिक मास सेम है, तो ये हर रेस्पेक्ट में अलग अलग नहीं हुए। फिर इसने बताया कि सिंपल रेशियो में, तो सिंपल रेशियो भी जरूरी नहीं होता, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं जिनकी सिंपल रेशियो नहीं है, जिनके बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं, जैसे क्लोरोफिल है या और भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बहुत सारे ऑर्गेनिक हैं। लास्ट बात जो इसने बताई कि एटम्स को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं, वो इसकी बात उस समय भी सही थी, ये बात अब भी सही है। तो सबसे पहला प्रयास डॉल्टन ने किया, एटम्स के बारे में कुछ जानकारी दी, हमें बताया एटॉमिक मॉडल के द्वारा। इसके बाद जो इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम्स के अंदर, जिसमें है वही इस चैप्टर में पहले पोर्शन में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज,
या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स है जो सबसे बाद में हुई इनमें 1932 में। तो एक साइंटिस्ट था प्लकर, उसने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि गैसेज में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है या नहीं। मटेरियल और इलेक्ट्रिसिटी, इनका ताल्लुक तो बताया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे, 10th क्लास में इसका जिक्र आता है, फिजिक्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा, मोटर जनरेटर ये वो। तो इसने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैटर, मैटर में से इलेक्ट्रिसिटी आप पास करो उसके क्या इफेक्ट होंगे, ये चीज़ें। तो एक साइंटिस्ट था प्लकर, उसने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब तैयार की, और ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये लगभग 50 सेंटीमीटर लॉन्ग इसने ली, और हार्ड ग्लास की बनी हुई थी। दोनों साइड से इसने क्या किया, इसको सील कर दिया, और ये देखना चाहता था कि गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या नहीं। तो इसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए कि गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी, और उसने ये पाया कि जब प्रेशर को लो किया जाता है और वोल्टेज हाई रखी जाती है तो गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। इसी के एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाया विलियम क्रुक्स ने, जिसने फिर कैथोड रेज के ऊपर स्टडी की, कैथोड रेज की डिस्कवरी की, और कैथोड रेज जिन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है उन्हीं का नाम है इलेक्ट्रॉन्स, जो फिर और आगे इसने बढ़ाया जे थॉम्सन ने। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो की जे थॉम्सन ने, और कैथोड रेज के द्वारा डिस्कवरी की। तो कैथोड रेज क्या होती हैं, कहाँ से पैदा होती हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो प्लकर ने 1859 में डिस्चार्ज ट्यूब बना के और ये सब काम करके देखे, लेकिन कैथोड रेज की जो बातें हैं वो विलियम क्रुक्स ने आगे बढ़ाई, और इसने ये बताया, देखो सबसे मेन इसने डिस्कस किया कि प्रेशर का बहुत ज़्यादा रोल है। डिस्चार्ज ट्यूब इसने ली, क्रुक्स ट्यूब के नाम से भी इसको फिर जाना जाता है, विलियम क्रुक्स ने इनको डिज़ाइन किया। तो इस टाइप की जैसे कि ट्यूब ले ली, दोनों तरफ से उनको सील किया, एक तरफ जैसे उसने जो इलेक्ट्रोड लगाई इसका नाम है कैथोड, और दूसरी तरफ ये क्या है, एनोड। तो ये है माइनस वाली कैथोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये जो है ये है एनोड, इनको आपस में इसने कनेक्ट किया, माइनस प्लस माइनस प्लस। और इसमें इसी के अंदर इसने वैक्यूम पंप भी लगाया इस गैस के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ये बातें तो पहले हो ही चुकी थी, तो इसने क्या किया, इसके अंदर गैस भर दी, और अब इसने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखी अलग अलग प्रेशर्स के ऊपर। इसने क्या किया, सबसे पहले 1 एटमोस्फेयर प्रेशर लिया। जब 1 एटमोस्फेयर प्रेशर लिया तो इसने ये पाया कि देर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं है उसमें। जैसे इसने प्रेशर को और कम किया, इसने किया 10^-2 एटमोस्फेयर, तो इसने पाया कि कैथोड की तरफ से कुछ रेज आती हैं एनोड की तरफ, यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव की तरफ आती हैं। ध्यान रहे ये इनविजिबल रेज हैं, ये इनविजिबल रेज हैं जो कैथोड की तरफ से चलकर एनोड की तरफ आ रही हैं। अब आप सोचेंगे जो इनविजिबल है तो फिर वो कैसे दिखाई दी,
जो चीज़ें इनविजिबल होती हैं उनके इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं। जैसे एयर इनविजिबल है लेकिन आपको इसके इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं, हवा चलती है तो कोई भी कागज़ या कुछ भी हिलता है उसके इफ़ेक्ट हैं। तो उसके लिए भी इसने बाद में ये किया कि इस एनोड को हटा के इसको परफोरेटेड किया, इसके पीछे स्क्रीन लगाया तो वो चमकने लग जाता है। तो ये रेज कैथोड की तरफ से चल रही हैं, बीच में जो गैसेज के मॉलिक्यूल हैं उनसे इनकी बॉम्बार्डमेंट भी होती है, टकराती हैं जिससे ग्लो भी करती है। जब और ज़्यादा प्रेशर को कम किया 10^-4 एटमोसफियर, तो ये जो अंदर का माहौल है इस डिस्चार्ज ट्यूब का ये सारा ग्लो करने लग जाता है, क्योंकि फिर ये गैसेज के मॉलिक्यूल से टकराती है। आगे उसने स्क्रीन भी लगाई जिसके ऊपर ग्रीन फ्लोरिसेंट लाइट फिर चमकने लग जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे प्रेशर कम क्यों करना पड़ा। देखो, प्रेशर अगर आप इनके ऊपर बढ़ा दोगे तो फिर गैसेज का वो इफेक्ट आ ही नहीं पाएगा जो हम चाहते हैं। देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ, मान लिया ये अपने पास ट्यूब है, जब आप इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दो तो ये जैसे कैथोड है, ये एनोड है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है। जब इलेक्ट्रिसिटी आप करेंगे तो गैसेज का प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा दब जाएंगी, किसी कोने में जाके दुबक जाएंगी। तो हम जो चाहते हैं वो काम नहीं होगा कि वो बॉम्बार्डमेंट हो, रेज पैदा हो। इसीलिए उसने क्या किया, प्रेशर को कम करता गया, दबाव हटाया तो गैसेज के मॉलिक्यूल आज़ाद हो गए, दूर दूर घूमने लग गए ताकि वो अपना काम कर सके। तो लो प्रेशर के ऊपर क्या करना है, हमने ये एक्सपेरिमेंट, हमने क्या, विलियम क्रूक्स ने ये करके देखा। तो उसने ये पाया जब ऐसा काम किया कि कुछ इनविजिबल रेज कैथोड की साइड से पैदा होती हैं जो एनोड की तरफ ट्रेवल करती हैं। तो कैथोड रेज इनका नाम इसीलिए रखा है क्योंकि ये क्या करती हैं, ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड साइड, क्योंकि ये कैथोड की तरफ से चलकर एनोड की तरफ आ रही हैं, ये ऐसे ट्रेवल कर रही हैं, तो इनका नाम क्या रख दिया गया, कैथोड रेज। अब उसने इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करके देखी कि कैथोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जैसे उसने देखा कि ये जो कैथोड रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज की। तो पहली बात इसने ये बताई कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। उसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट भी करके देखा। उसने क्या किया, जो भी अब ये पूरा डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूँ, ये कैथोड था जैसे अपना, ये एनोड था, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, तो ये रेज आ रही है। तो इसने क्या किया, इसके रास्ते में कोई भी चीज़ रख के देखी, कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज ये रख दिया, तो जैसे ही ये रेज इससे टकराई एज इट इज इसकी परछाई पीछे बन जाती है बिल्कुल सीधी लाइन में। तो इसका मतलब रेज क्या है, वो सीधी चल रही है। अगर ये सीधी नहीं चलती, इधर उधर घूम जाती तो इसकी परछाई, इसकी इमेज कहाँ बनती, इसकी शेडो नहीं बन पाती। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती हैं तो एज इट इज इसी की सीध में यहाँ पर इसकी शेडो बनती है। तो उससे उसने बताया कि भाई ये जो कैथोड रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। दूसरा इसने बताया, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ये कैथोड रेज हैं ये मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनती हैं। इसके लिए क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब, ये कैथोड यानी कि वही ट्यूब है, सेम डिस्चार्ज ट्यूब है, ये है एनोड, ये है कैथोड, उसी तरह का सेटअप बनाया। इसने क्या किया, जैसे कैथोड की तरफ से ये रेज पैदा हुई तो यहाँ पर इसने बीच में एक व्हील रख दिया। व्हील मीन्स बहुत हल्का छोटा सा पहिया, व्हील। तो अगर इसमें पार्टिकल हैं तो ये इससे टकराएंगे तो ये घूमने लग जाएगा, और अगर पार्टिकल नहीं है, खाली वेव है, तो इससे ये घूमने नहीं लगेगा। तो जैसे ही रेज यहाँ से प्रेशर कम किया, वोल्टेज हाई की,
वोल्टेज इसने लगभग 10,000 वोल्ट की थी तब कैथोड रेज पैदा होती है। तो जैसे ही कैथोड रेज यहाँ से आती है, इसे टकराती है, तो पार्टिकल जो है वो टकराएगा तो उसमें मूवमेंट होगा। देखो वेव से वो फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि इसके ऊपर अगर आप कोई लाइट डाल के देखें तो लाइट को जैसे ही आप बंद करोगे उसका निशान नहीं मिलेगा। ये पार्टिकल है, अगर इसको आप यहाँ करेंगे तो इसका निशान आपको मिलेगा। तो पार्टिकल जैसे इसे टकराए तो क्या हुआ, ये जो है घूमने लग गया, रोटेट करने लग गया। तो हम इससे विलियम क्रूक्स ने बताया कि भाई ये पहिया घूमने लग जाता है, इट मीन्स ये मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनता है। ये जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर ये कैथोड रेज बनी हुई हैं, गौर फरमाइएगा, इसका नाम निगेट्रॉन्स रख दिया विलियम क्रूक्स ने, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ से ट्रेवल कर रही है और पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। जब ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है, इसका मतलब खुद के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं, तो कैथोड रेज क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं। इसका नाम विलियम क्रूक्स ने रख दिया, भाई ये जो पार्टिकल है ना नेगेटिव चार्ज वाले, इनका नाम है निगेट्रॉन्स। बाद में एक और साइंटिस्ट था स्टोने, उसको ये नाम पसंद नहीं आया, उसने कहा भाई निगेट्रॉन्स नहीं, इसको हम बोला करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर इन पार्टिकल्स का नाम क्या रख दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज। अगर आप किसी ऐसे मटेरियल से इसको टकराएंगे, कैथोड रेज के ऐसे मटेरियल जिनका हैवी मास है, ऐसे मटेरियल जिनका मास बहुत ज़्यादा है, तो ये दूसरे प्रकार की रेज में चेंज हो जाती हैं, जिनको कहते हैं एक्स रेज। कैथोड रेज चेंज हो जाएंगी किस में, एक्स रेज में। इसके बाद अगर आप इनको फोटोग्राफिक प्लेट पर डालेंगे तो उसको ये अफेक्ट करती हैं। इसके बाद ये जो चीज़ें हैं, ये कुछ हैं जैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड उसे डिफ्लेक्ट होती हैं, तो ये 3, 4, 5 प्रॉपर्टीज आप इनकी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं बुक में से, मैंने भी आपको ये बता दी। अब जो यहाँ पर सबसे मेन बात है उसको डिस्कस करते हैं। निष्कर्ष ये निकला कि ये जो कैथोड रेज हैं विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द साइड ऑफ कैथोड एंड ट्रेवल टुवर्ड्स एनोड, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनती हैं, जिनका नाम अब रख लिया गया है इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स पर दो बातें आपको याद रखनी है मेन, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर चार्ज कितना है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। चार्ज प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है, लेकिन वो यहाँ पे प्लस कर देंगे हम। तो ये इनके ऊपर चार्ज है, और दूसरा है मास। तो ये चार्ज है ई के द्वारा लिख सकते हैं हम इसको, ये मास इसका होता है 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम। तो एक और साइंटिस्ट हुए आर ए मिल्कन, इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ये चार्ज और मास, ये जो चीज़ें हैं ये डिटरमाइन करके इन्होंने निकाली चार्ज मास की रेशियो E/m। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक नंबर के वन मार्क क्वेश्चन में ये कई बार पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ना, फंडामेंटल पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए एटम के। इलेक्ट्रॉन के बारे में कई बार ये पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन को यूनिवर्सल पार्टिकल क्यों कहा जाता है। इसको यूनिवर्सल पार्टिकल इसलिए कहते हैं कि इसमें जो चार्ज और मास का रेशियो है ना, वो हमेशा सेम बना रहेगा। यानी कि आप कोई भी गैस ले लें, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर कोई भी गैस ले आप, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेचर ऑफ गैस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। यही आएगा चार्ज मास रेशियो जो
जो है चार्ज को मास से डिवाइड करोगे तो वो रेशियो हमेशा सेम रहेगा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। अब प्रोटॉन्स के केस में ऐसा नहीं है, प्रोटॉन के केस में जैसे ही आप गैसेज को बदलते हैं चार्ज मास रेशियो अलग आ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को यूनिवर्सल पार्टिकल भी कहा जाता है। तो ये पहला टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज की, कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई और उनकी मेन प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है।